हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे केंद्रीय विद्यालय क्लास वन का जब हम एडमिशन फॉर्म फिल करने जा रहे थे तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स को वेबसाइट पर पोर्टल पर रजिस्टर, उससे पहले वाली वीडियो में ये सब हमने देख लिया कि वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको एक लॉगिन कोड जनरेट होके आपके मोबाइल पर भी आएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, और ईमेल पर भी आएगा लॉगिन कोड। उस लॉगिन कोड की हेल्प से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। तो मेरे मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर एक कोड रिसीव हुआ, तो लॉगिन कोड, आज उसी लॉगिन कोड की हेल्प से हम अपनी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। तो उसके लिए मैंने पोर्टल को ओपन करा हुआ है, यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट मैंने यहाँ पर ओपन करी हुई है। तो राइट साइड पर, टॉप राइट साइड पर यहाँ पर एक बटन आ रहा है लॉगिन, आप इस पर यहाँ पे काम कर चुके हैं। अब हम जाना है लॉगिन बटन पर। लॉगिन बटन पर जाने के बाद यहाँ पर मेरे से रजिस्टर्ड यूजर साइन इन हियर, जो भी रजिस्टर्ड यूजर हो चुके हैं, जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, वो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन कोड डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा था, उसके बाद नीचे कैप्चा नंबर देके और कैप्चा नंबर फिल करके यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। तो दी गई सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, जो भी मेरे पास आया था। मेरे पास लॉगिन कोड आया था, मैं उसको फिल कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने फिल करी थी रजिस्ट्रेशन के दौरान, आपको वो यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने मोबाइल नंबर दिया था, उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। नीचे कैप्चा नंबर बिल्कुल देखकर एग्जैक्ट यही कैप्चा नंबर मुझे फिल करना होगा। पूरी डिटेल भरने के बाद मुझे यहाँ पर अब नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यदि इनमें से कोई भी एक जानकारी आपने गलत दी, लॉगिन कोड या डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर, तो ये यहाँ पर एरर मुझे क्रिएट करेगा, एरर देगा। बिल्कुल सही जानकारी यहाँ पर भरनी है। जैसे ही मैं लॉगिन बटन पर यहाँ क्लिक लिखे तो ये ओपन नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही है। जो भी मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान कुछ इन्फॉर्मेशन भरी थी, तो वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही है। जैसे बच्चे का नाम आ रहा है कुमार, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म करने के 5 है। नंबर 1 बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद नंबर 2 पेरेंट्स डिटेल्स, नंबर 3 चॉइस ऑफ स्कूल, नंबर 4 स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट, और लास्ट स्टेप है डिक्लेरेशन एंड सबमिट। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं अपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो अभी हम स्टेप नंबर 1 पर ही है, बेसिक डिटेल्स। यहाँ पर बेसिक डिटेल फिल करनी होगी, जो यहाँ पर ये डार्क होके आ रहे हैं चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्री फिल्ड है। रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने ये इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, तो इसलिए हम ये डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर पा रहे, ना ही बच्चे का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसके बाद नीचे है पहला ही, अब हमारे पहला स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर सबसे पहले अब हमें जो चूज करना है वो है जेंडर। जेंडर यहाँ पर हमें जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद डिफरेंटली एबल्ड यस है और नो है, यहाँ पर आपको वैसे ही बताना है। इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी रजिस्ट्रेशन जब आपने किया था इससे पहले वाली वीडियो में जो प्रोसेस, उसमें ये भी हमने भरा था, डिफरेंटली एबल्ड नहीं है। या यदि मैं यस पर क्लिक करता हूँ तो ये नहीं लेगा, और ना ही डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी मुझे चेंज करने की परमिशन नहीं दे रहा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मेरे पास जेंडर के बाद, फैमिली इनकम ग्रुप। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मेरे पास दिए हुए हैं, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन EWS कैटेगरी का है, और थर्ड ऑप्शन बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये गरीबी रेखा से नीचे, ये 3 ऑप्शन मुझे दे रखे हैं। यदि लो इनकम ग्रुप से मैं बिलोंग नहीं करता तो मैं इस पे फर्स्ट ऑप्शन पर टिक लगाऊंगा। यदि मैं EWS के अंदर आता हूँ, तहत आता हूँ, तो मैं इसके ऊपर जैसे ही टिक लगाऊंगा तो मेरे से ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगेगा। जैसे EWS का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मेरे से मांगेगा, साथ ही साथ किस कितनी तारीख को ये मेरे सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो उसकी डेट मुझे यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इशूइंग अथॉरिटी का मुझे यहाँ पर नाम लिखना होगा। ये होगा तब जब आप यहाँ से EWS कैटेगरी को चूज करेंगे। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सेम डिटेल्स मुझे इसके अंदर भी वही भरनी होगी। बीपीएल कार्ड, जो भी मेरा बीपीएल के तहत बीपीएल नंबर जो होगा, सर्टिफिकेट का नंबर, वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। कितनी तारीख को ये इशू हुआ उसकी यहाँ पर डेट मेंशन होगी। मेंशन के बाद यहाँ पर किस किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया, उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आएगा। ये इंफॉर्मेशन EWS
के लिए अगर आप भर रहे हैं या बीपीएल के लिए आप भर रहे हैं डॉक्यूमेंट लगा के, तो यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखी हुई आ रही है, सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड एज ऑन एडमिशन डेट। जितनी तारीख को आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उस समय वो सर्टिफिकेट मान्य हो, वैलिड हो। तो ये डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। फिलहाल मैं इसको जो है नो डू नॉट बिलोंग टू नो लो इनकम ग्रुप यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो बाकी डिटेल्स मुझे हट जाएगी। याद रखें यहाँ EWS या BPL के तहत आप भरना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट उसका होना अनिवार्य है, और सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ भरी जाएगी, सर्टिफिकेट का नंबर, कौन इसको इशू कर रहा है और डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट। इसके बाद नीचे आता है कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जनरल, OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST और यहाँ पर ब्लड ग्रुप। अगर EWS यहाँ पर कैटेगरी चूज करता हूँ, इनकम ग्रुप EWS कैटेगरी चूज करता हूँ और सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी का नाम देकर यहाँ पर मैं OBC नॉन क्रीमी लेयर है मेरे पास या SC है मेरे पास कैटेगरी या ST है, तो इन तीन कैटेगरी के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पर EWS कैटेगरी चूज करता हूँ और मेरी कैटेगरी आती है, कास्ट कैटेगरी आती है OBC नॉन क्रीमी लेयर या SC या ST, ये RTE के अंदर अकॉर्डिंग टू द एडमिशन गाइडलाइंस, तो ये RTE के अंदर एडमिशन माना जाएगा, फॉर्म फिल किया जाएगा। सेम ऐसे ही BPL के लिए भी आप अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर अगर जर्नल को छोड़कर OBC क्रीमी लेयर को छोड़कर OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST यदि है तो वो RTE के तहत एडमिशन माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप करके आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ से मैं OBC नॉन क्रीमी लेयर चूज करके ब्लड ग्रुप यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। तो देखिएगा, तो जब तक मैं इस पहले फॉर्म को पूरा कंप्लीट करके इसको आगे सेव नहीं कर देता, तब तक ये मेरा फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके अंदर मुझे अब यहाँ पर सेव एप्लीकेशन करना होगा। जैसे मैं पूरी इंफॉर्मेशन भरने के बाद इस पेज पर यहाँ पर मुझे सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है, तो ये एक मैसेज प्रिंट होगा कि आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास ये एप्लीकेशन सेव नहीं हुई, ये आपने अपने लिए ही सेव करी है। मान लीजिए अगर बीच में नेट कनेक्शन चला गया या कंप्यूटर बंद हो गया या दोबारा इसको आप थोड़ी देर बाद इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल टेम्परेरी आपके पोर्टल पर ही ये उस लॉगिन आईडी पर ही ये सेव हुआ, ये संगठन के पास KVS के पास ये डिटेल अभी गई नहीं है, क्योंकि ये पांचों स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। फिफ्थ स्टेप के बाद जब सबमिट करेंगे तभी ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास ही जाएगी एप्लीकेशन। ये जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव एप्लीकेशन कर दिया है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आप बटन देखेंगे, नेक्स्ट बटन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सेकेंड ऑप्शन मेरे मुझे खोल के दे देगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर पेरेंट डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स के अंदर यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मदर्स की डिटेल भरी जाएंगी, राइट साइड पर फादर की डिटेल्स भरी जाएंगी। तो जैसा भी है यहाँ पर मदर और फादर की डिटेल यहाँ पर भरना होगा आपको। मैं एक डेमो के रूप में यहाँ पर लिख रहा हूँ। करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप और फादर और मदर का यदि सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यस, तो जहाँ पर आप मदर की डिटेल भरेंगे तो उसको फादर की डिटेल में भरने का आपको ज़रूरत नहीं है। तो एड्रेस मैंने यहाँ पर चूज़ किया, देखोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली अब यह आता जाएगा, और मैं यहाँ पर जो भी एड्रेस डाल रहा हूँ ये वही एड्रेस यहाँ पर फादर के में भी आता रहेगा। मान लीजिए मैं ये एड्रेस भर रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी, ये जस्ट एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लैंडलाइन नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे फॉर्म के अंदर, और लास्ट में यहाँ पर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर मदर का ऑक्यूपेशन लेफ्ट हैंड साइड पर, फादर का ऑक्यूपेशन। मान लीजिए मदर यहाँ पर हाउस वाइफ है तो मैं हाउस वाइफ यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ। फादर जो है वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइवेट जॉब, भी ऐसे हम लिख सकते हैं, या जो भी करते हैं ऑक्यूपेशन, खुद का कोई बिजनेस है तो यहाँ पर मैं खुद का बिजनेस भी कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में मैं प्राइवेट जॉब लिख देता हूँ। इसके बाद ये मेरा पेज होने के बाद इसको हम सबसे पहले करेंगे सेव एप्लीकेशन। अगर इसमें एप्लीकेशन में कोई एरर है तो वो मुझे बता देगा, या कोई ऐसा कॉलम जो मैंने भरा नहीं है तो ये मुझे बताएगा। मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं आगे इसको नेक्स्ट करूंगा, अगला पेज ओपन करने के लिए।
जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब नाम चूज करने के ऑप्शन। थर्ड स्टेप है हमारा चॉइस ऑफ स्कूल, इसका मतलब यहाँ पर सिलेक्ट केंद्रीय विद्यालय 1, केंद्रीय विद्यालय 2, केंद्रीय विद्यालय 3। आप एक एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैक्सिमम 3 स्कूल के लिए आप एलिजिबल हो भरने के लिए। तो केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट 1 पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम स्टेट चूज करेंगे। स्टेट के बाद जिस दिल्ली मैंने सेलेक्ट करा तो दिल्ली में से जो भी स्कूल आप यहाँ से चूज करेंगे, मैंने एक स्कूल चूज किया यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे उस स्कूल के डिटेल्स बता रहा है, ये एक प्रोजेक्ट स्कूल है जिसकी स्पॉन्सरिंग एजेंसी SPG है, तो यहाँ पर मोस्टली SPG के ही बच्चे का एडमिशन माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस, जो आपका एड्रेस है, आप इस पर जैसे टिक लगाते हैं लेस देन 5 किलोमीटर तो आप RTE के लिए एलिजिबल हैं। RTE एक्ट के तहत 5 किलोमीटर के अंदर स्कूल और घर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया, मेरा घर जो है केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर या उससे कम की गैप में है। इसके बाद आता है यहाँ पर डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस कैटेगरी। अगर आपको सर्विस कैटेगरी नहीं पता तो ये आपको हेल्प करेगा। यदि मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ तो यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूज एम्प्लॉयर, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर की जितनी भी डिटेल्स है वो सारी की सारी आ जाएगी। अगर आपको अपनी सर्विस कैटेगरी नहीं पता कि आप किस सर्विस कैटेगरी में आते हैं तो वो वहाँ पर से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए खुद का बिजनेस है मेरा, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर से अपना चूज करूँगा। बी प्रेस किया मैंने, यहाँ पर बिजनेस लिखा हुआ आ रहा है, और इसमें जाके NA हम चूज करेंगे तो कैटेगरी 6 के अंदर यहाँ पर आ रहा है मेरे पास। हर स्कूल के अंदर अपने अपने प्रोजेक्ट KV है, KV के अंदर बिजनेस कैटेगरी को यहाँ पर कैटेगरी 6 दिया गया है, 6 कैटेगरी के अंदर। अगर आपको लगता है ये कैटेगरी सही नहीं दिखा रहा तो यहाँ पर आप इसको नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप बाकी 2 KV में भी, यहाँ पर सेलेक्ट केंद्रीय विद्यालय 2 और केंद्रीय विद्यालय 3 के लिए भी हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। जब मैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के लिए सेलेक्ट करता हूँ, अभी सेलेक्ट फर्स्ट स्कूल मैंने चूज कर लिया, सेकंड स्कूल जब मैं चूज करता हूँ यहाँ पर 5 किलोमीटर के अंदर मैंने चूज किया। इसके बाद यहाँ पर मुझसे सर्विस कैटेगरी यदि नहीं पता तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी फिल कर सकते हैं, और अगर यदि आपको कोई भी मन में डाउट है कि ये गलत दिखा रहा है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप ऑटोमेटिकली इनमें से जो भी आपके कैटेगरी के अंदर आप आते हैं वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं कैटेगरी इसके अंदर जो मैंने फॉर्म भरा हुआ है बिजनेस की, कोई अपना करता है पेरेंट, तो उसके अंदर कैटेगरी 5 आ रहा है। जो भी आप स्कूल भरेंगे, ये जो स्कूल है ये डिफेंस सेक्टर है, इसके डिफेंस वालों की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। इससे पहले जो स्कूल भरा था हमने, ये SPG का है, इसकी स्पॉन्सरिंग की है, तो SPG इसकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट के लिए है। तो इन चीज़ों का यहाँ ये फॉर्म भरने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर यहाँ क्लिक करना है और अपने 4th स्टेप पर चलना है, डॉक्यूमेंट अपलोड का। इसमें सबसे पहले है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और नीचे एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो ये एक डेमो के लिए है जो मैंने अभी बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इस डेमो में मैंने एक डेमो फोटो अपलोड करी है और अपलोड बटन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल अपलोडेड हो गई। तो ऐसे ही आपको दोनों ये फोटो जो है अपलोड कर देनी है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट का प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो का प्रूफ। इसके बाद जो भी मैंने दोनों सेलेक्ट स्कूल करे हैं तो यही डॉक्यूमेंट स्कूल के अंदर भी एडमिशन होने पर आपको प्रोड्यूस करने होंगे। फिर नेक्स्ट बटन पर हम यहाँ क्लिक करेंगे और लास्ट स्टेप है हमारा डिक्लेरेशन एंड सबमिट। इन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ेंगे सारे के सारे और लास्ट में यहाँ पर टिक लगा के आपको अपना सेव टू प्रीव्यू, सेव करने से पहले ये आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएगा और डाटा को सेव करेगा। फिर यहाँ पर मैं प्रीव्यू बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म का मुझे शो करता है। तो उसके अंदर लास्ट में हमें यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। मेरा यहाँ पर फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो चुका है, जहाँ पर जो भी फॉर्म भरा था वो सारा का सारा मुझे उसका प्रीव्यू शो हो रहा है। अगर अभी भी कोई इसके अंदर करेक्शन मुझे करनी है तो मैं यहाँ से प्रीवियस बटन पर जाके इसकी करेक्शन कर सकता हूँ। यदि कोई करेक्शन नहीं है तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं एप्लीकेशन फॉर्म पर यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो ये मेरे को कह रहा है सबमिट करने के लिए, इसके बाद मैं कोई चेंजेस नहीं कर पाऊँ। मैंने यस बटन पर क्लिक करा तो मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालने पर ही आपका वेरीफाई OTP होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट की जाएगी। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।